हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन में आज हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। और ऐसा मान रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं सी या सी प्लस प्लस में, तब हमें ये रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम स्ट्रक्चर का यूज करें। पहले हम रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमारे पास एक टाइम है और टाइम के तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होगा इसका आवर एलिमेंट होगा, एक इसका मिनट एलिमेंट होगा और इसका एक सेकेंड एलिमेंट होगा। अगर आप किसी टाइम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और उस टाइम पे कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो देन या तो आप तीन अलग अलग वेरिएबल्स माने, और मान लीजिए कि आपके पास तीन चार टाइम्स है, आपके पास है T1, T2, T3, T4, ये चार टाइम्स आपके पास है। और अगर आपको इन चारों टाइम पे वर्क करना है तो उस केस में आपको 4 × 3 मतलब 12 डिफरेंट वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है जिसमें कि हम 12 वेरिएबल्स को लेकर इस पे एक्टिविटी करें। और अगर हम जनरलाइज करना चाहें कि हमारे पास बहुत सारे टाइम आ सकते हैं जिसकी काउंटिंग आपको नहीं पता है, तो देन उसके बाद आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम एक काम करते हैं कि जो टाइम है उसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये एक यूजर डिफाइंड टाइप है, तो हमने एक स्ट्रक्ट टाइम नाम का एक स्ट्रक्चर बना दिया और इसमें हमने डाल दिया इंटीजर आवर, देन इंटीजर मिनट एंड इंटीजर सेकेंड। तो HMS जो है वो इंटीजर टाइप के हैं और एक ही टाइम के लिए ये HMS है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, ये जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, इसके हम डायरेक्ट वेरिएबल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्ट टाइम T1, देन T2, देन T3। इसका मतलब क्या है कि T1 एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, T2 एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, T3 एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर एक टाइम में तीन एलिमेंट्स हैं, आवर, मिनट और सेकेंड। जिस तरह आप किसी एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एक्स, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप। सिमिलरली आप यहाँ कह सकते हैं कि स्ट्रक्ट टाइम T1, इसका मीनिंग क्या है कि T1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइम टाइप। तो यहाँ पे जो इंटीजर है वो लाइब्रेरी डिफाइंड टाइप है और ये जो स्ट्रक्ट टाइम है वो यूजर डिफाइंड है। तो हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं यूजर डिफाइंड टाइप्स को क्रिएट करने के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए कि आपके पास एक स्टूडेंट है और आपके स्टूडेंट के जो फीचर्स हैं जो हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो है उसका रोल नंबर, देन उसका नाम, उसका परसेंटेज इन लेट्स से 12th क्लास, लेट्स से उसका एक मोबाइल नंबर और उसके घर का एड्रेस। तो अगर आप ये सारी चीजें एक साथ चाहते हैं एक यूनिट में, तो एक स्टूडेंट का डेटा इससे बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट टाइप का और उसमें रोल नंबर मान सकते हैं कि इंटीजर टाइप का है। एंड देन आप नेम मान सकते हैं कि वो एक स्ट्रिंग है और आपने उस स्ट्रिंग की लेंथ 20 डिफाइन कर दी है या ये कैरेक्टर आ रहे हैं। इसी तरह से जो परसेंटेज है वो यूजुअली फ्लोट में होगा, तो आप फ्लोट डिफाइन कर दीजिए परसेंटेज। जो मोबाइल नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा या लॉन्ग लॉन्ग टाइप का आपका इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर होगा। इसी तरह से जो एड्रेस है उस एड्रेस में न्यूमेरिक वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज सब कुछ होगा। हाउस नंबर न्यूमेरिक होगा, देन उसके बाद फिर बाकी जो एड्रेस होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो आपने मान लिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का ही एक एड्रेस है जिसकी लेंथ 20 है। एड्रेस के बाद मान लीजिए कि आपका पिन कोड भी आप नोट करना चाहते हैं, तो जो पिन कोड होगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो अगर आपने इन सभी चीजों को एक यूनिट में रख दिया तो आप कहेंगे कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। फिर आप जिस भी पॉइंट इन टाइम पर क्रिएट करना चाहें या स्टोर करना चाहें डेटा किसी स्टूडेंट का, तो एक वेरिएबल ले सकते हैं आप एस और उसमें इन सभी डेटा एलिमेंट्स को इनपुट करा सकते हैं। तो एस को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि आपने एक स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, मोबाइल, एड्रेस, पिन, इन सभी के लिए मेमोरी क्रिएट कर ली। तो आप ये सारी चीजें एक यूनिट में रख सकते हैं, फाइन। तो किस ये सारी जो चीजें होंगी वो सिंगल यूनिट में रखी जाएंगी जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए किसी भी पॉइंट इन टाइम पे। फाइन, तो स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने टाइम में देखा था कि तीनों चीजें इंटीजर थी, आवर, मिनट और सेकंड,
और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ये जो एलिमेंट्स हैं, इंटीजर है, कोई एलिमेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे है, कोई एलिमेंट फ्लोट है, फिर वंस अगेन इंटीजर है, देन कैरेक्टर एरे है। सो इसका मतलब क्या है कि ये सारे हेटरोजीनियस डेटा एलिमेंट्स या टाइप्स हैं, हेटरोजीनियस टाइप्स हैं। तो स्ट्रक्चर हो सकता है कि होमोजीनियस टाइप्स का कलेक्शन हो, जैसे हमने टाइम वाला लिया तो सारे इंटीजर्स थे, या फिर हेटरोजीनियस आइटम्स का कलेक्शन हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स यहाँ पे या अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो स्ट्रक्चर एक होमोजीनियस या हेटरोजीनियस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। स्ट्रक्चर का हम यूज तब करते हैं जब हमें यूजर डिफाइंड टाइप क्रिएट करने की जरूरत है। और यूजर डिफाइंड टाइप क्रिएट करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा हो वो एक साथ स्टोर हो, जो रिलेटेड डेटा है। ओके, तो आइए हम छोटा सा एक बहुत प्रोग्राम बनाते हैं, और ये जो प्रोग्राम है वो दो डिस्टेंस को ऐड करने का एक प्रोग्राम है। तो मान लीजिए कि आपको दो डिस्टेंसेस गिवन है, और वो डिस्टेंसेस हैं किलोमीटर और मीटर में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक D1 डिस्टेंस दी गई, और D1 डिस्टेंस में सेवन किलोमीटर एंड 93 मीटर। एंड देन इसके बाद एक D2 आपको डिस्टेंस दिया गया, जो डिस्टेंस है लेट्स से 14 किलोमीटर एंड 950 मीटर्स। मान लीजिए कि एक और भी डिस्टेंस आपके पास है, D3 डिस्टेंस, वो कह रहा है कि दिस इज 21 किलोमीटर एंड 460 मीटर। तो अगर हम ऐसा मान लें कि हमें एक हम बैटन एक रिले रेस चल रही है, और उस रिले रेस में एक पर्सन है वो दौड़ता है, और वो दौड़ थोड़ी देर दौड़ता है, और देन उसके बाद उसकी एनर्जी फिनिश हो जाती है, देन उसका बैटन दूसरा व्यक्ति ले लेता है, देन जब दूसरा व्यक्ति थक जाता है तो उसका बैटन तीसरा व्यक्ति ले लेता है, एंड फाइनली आपको क्या करना है कि रेस को कंप्लीट करना है। तो आपको ये बताना है कि ये जो तीन लोगों का जो ग्रुप है जो एक बैटन रिले के लिए रन कर रहा है, वो कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया। तो अगर हम मान लें कि ये मेरा वन नंबर पर्सन है जो कि 7 किलोमीटर और 93 मीटर चल के थक जाता है, तो दूसरा वाला इसका बैटन ले लेगा यहाँ पे, सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन जो है वो फर्स्ट वाले का बैटन ले लेगा यहाँ पे। दौड़ वो लगा रहे हैं इसको सर्कुलर रेस में, और इसके बाद फिर ये जब चलेगा तो ये 14 किलोमीटर और 950 मीटर के बाद थक जाता है, देन अपना ये जो बैटन है वो तीन नंबर पर्सन को हैंड ओवर कर देता है। तो तीन नंबर पर्सन है वो 21 किलोमीटर और 460 मीटर ट्रेवल करता है, या वो दौड़ता है और रेस को कंप्लीट कर लेता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो D1, D2, D3 है, ये तीनों, या ये जो तीनों पर्सन हैं, ये कितनी टोटल डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो इसको हम करने के लिए कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ मेंशन है और मीटर वाला डिस्टेंस यहाँ मेंशन है। तो हमने सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना रखा है, और स्ट्रक्ट मेरा डिस्टेंस का है, और ये जो डिस्टेंस है इसमें दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है इसमें किलोमीटर का और दूसरा एलिमेंट है इसमें मीटर का। KM और M, दो इसमें दो इसके एलिमेंट्स हैं। D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंस और D3 डिस्टेंस, इन तीनों को हमने इनिशियलाइज किया है। जब भी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज आप कैसे करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद फिर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा सेपरेट करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, सिंपली आप डेटा वैल्यूज दीजिए, तो 7 की जो वैल्यू है वो KM में आ जाएगी, और 93 की जो वैल्यू है वो एम में आ जाएगी। इसी तरह से दूसरा वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है D2, तो आपने यहाँ लिखा स्ट्रक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, बीच में कॉमा लगाया, और KM और M को हटा दिया। इसी तरह से एक तीसरा वेरिएबल जब आपको डिफाइन करना है तो आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट डिस्टेंस D3, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा दिया, KM और M को हमने हटा दिया है और इनके बीच में एक कॉमा लगा देते हैं। तो ये तीनों वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग डेटा वैल्यू का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है D1 की, D2 की और D3 की, इसमें जो मीटर वाला पार्ट है उसको ऐड कर दीजिए। तो मीटर वाला पार्ट जब आप ऐड करेंगे सो दिस विल कम आउट टू 460 प्लस 950 प्लस 93, सो दिस विल बी 9
1503 मीटर हमारे पास आया। ये जो 1503 मीटर्स है, इसमें आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर एंड 503 मीटर। तो आपको क्या करना है कि 1503 में से ये वाला पार्ट अलग करना है, 503 अलग करना और 1 अलग करना है। अगर आप 1503 में से 1000 को डिवाइड कर दें तो इंटीजर बाय इंटीजर डिविजन से आपको 1 मिल जाएगा, मतलब किलोमीटर, और मॉडुलस 1000 करने से 503 मिल जाएगा जो कि मीटर है। तो आप एक काम करिए, ये जो आपने डिस्टेंसेस ऐड की है मीटर वाली, मान लीजिए वो एक्स है, और एक्स को फाइंड करने के बाद एक्स का सबसे पहले डिविजन कर दीजिए 1000 से, जिससे कि आपको एक कैरी मिल जाती है। और इसके बाद कैरी जो क्या है, किलोमीटर वाला पार्ट है। और अगर आपको मीटर वाला पार्ट चाहिए तो आप कह सकते हैं कि दैट इज एक्स मॉड्यूलस 1000। ठीक है, और मान लीजिए कि हमने एक डी फोर डिस्टेंस भी ले लिया है, और डी फोर के मीटर वाले पार्ट में आपने एक्स को स्टोर कर लिया। इसके बाद डी फोर का किलोमीटर वाला पार्ट कितना क्या होगा, ये जो फाइनल डिस्टेंस है, जो एडेड डिस्टेंस है, उसके किलोमीटर वाला पार्ट क्या होगा, इन तीनों के किलोमीटर वाले पार्ट को ऐड कर दीजिए। सो दिस विल बी 42, और प्लस ये जो कैरी आई हमारी, या जो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा आया है मीटर वाले पार्ट से, आप उसको भी ऐड कर दीजिए। सो यहाँ पे 42 + 1 43 हो जाएगा। इसको आप स्टोर कर दीजिए डी फोर के किलोमीटर वाले पार्ट में, एंड देन आप किलोमीटर और मीटर वाले पार्ट को डिस्प्ले कर दीजिए। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने एक सी में छोटा सा प्रोग्राम बनाया, आप सी प्लस प्लस में भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इंक्लूड stdio.h, एंड देन उसके बाद आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखना है। तो स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कैसे करते हैं कि struct डिस्टेंस, और इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक है km वाला पार्ट और एक है मीटर वाला पार्ट। फिर इसके बाद मेन में आ जाते हैं हम, और मेन में आने के बाद हम इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो कैसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्ट डिस्टेंस लिखेंगे, एंड देन उसके बाद तीन वेरिएबल आपको क्रिएट करने हैं, d1 d2 एंड d3। इसको क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि इन डिस्टेंसेस को ऐड करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो एडिशनल वेरिएबल है x और c, और एक आप और डिस्टेंस ले लीजिए d4 नाम का, जिसमें आप ऐड करके डिस्टेंसेस को लिखेंगे। सो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू d1 dot meter प्लस d2 dot meter प्लस d3 dot meter प्लस d4 dot meter। जब चारों के, सॉरी डी फोर नहीं होगा, डी थ्री तक ही होगा, क्योंकि हमें तीन डिस्टेंसेस ऐड करनी है। एंड देन इसके बाद इसमें से हम कैरी वाला पार्ट अलग कर लेते हैं, मतलब कि किलोमीटर वाला पार्ट। तो दैट विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 1000। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से मीटर वाला पार्ट अलग करते हैं। सो मीटर वाला पार्ट हम कैसे अलग करेंगे, एक्स मॉडुलस 1000। और ये जो मीटर वाला पार्ट है, इसको डी फोर के मीटर वाले पार्ट में स्टोर कर दीजिए। अब हम किलोमीटर वाला पार्ट फाइंड कर रहे हैं, तो किलोमीटर वाला पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, डीएम का किलोमीटर को डी टू के किलोमीटर के साथ, और इसी को डी थ्री के किलोमीटर के पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं। ये जो भी आंसर आ रहा है मेरा, इसमें एक कैरी को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि मीटर से भी कुछ किलोमीटर का पार्ट आया है, उसको हम किलोमीटर वन में ही ऐड कर लेते हैं, और इसको डी फोर के किलोमीटर पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। फाइनली डी फोर को हम प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट एफ, जो डिस्टेंस हमारी है, उसमें दो इंटीजर पार्ट है, एक किलोमीटर का पार्ट है और एक मीटर का पार्ट है। तो थोड़ा सा ब्यूटिफाई करने के लिए हमने के एम लिखा यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एम लिख दिया। क्या प्रिंटिंग कराना है मुझे, डी फोर का किलोमीटर का पार्ट और डी फोर का मीटर वाला पार्ट। रिटर्न 0 लिख लेते हैं, जिससे कि हम अपने फंक्शन को टर्मिनेट कर पाए। और यहाँ पे d1, d2 और d3 जो वेरिएबल्स हैं, इनको हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो आप याद कीजिए कि हमने क्या लिया था, 7 मीटर 93 सेंटीमीटर, सॉरी 7 किलोमीटर एंड 93 मीटर। ये मेरा पहला इनिशियलाइजेशन हो गया d1 का। d2 को कैसे इनिशियलाइज करना है, 14 किलोमीटर एंड 950 मीटर्स। और एक हमने d3 लिया है, d3 को कैसे इनिशियलाइज करना है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं, 21,460, 21,460। तो इनिशियलाइजेशन का ये तरीका है कि आपने वेरिएबल नेम लिखा, उसके बाद इक्वल्स टू लिखा,
फिर कर्ली ब्रैकेट्स में आपने रिप्रेजेंट किया उन एलिमेंट्स की वैल्यूज को जो कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। फाइन, आइए रन करके देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि 43 किलोमीटर एंड 503 मीटर, यही हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे, 43 मीटर एंड 503 मीटर। तो इस तरह से हमने पहला स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बना लिया। आगे के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।